लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे फोटो देख रहे थे आपकी शादी का आपकी छोटी बहू आपके कमरे की तलाशी ले रही थी दादी पता नहीं क्या ढूंढ रही थी आपकी छोटी बहू आपके कमरे की तलाशी ले रही थी दादी पता नहीं क्या ढूंढ रही थी समझ गई नहीं रहा गया ना मन नहीं माना मुझे याद है मैं भी अपनी शादी की तस्वीरें देखने के लिए इतनी उतावली थी अरे चूल्हे पे रखा दूध उबल गया था मैंने ये शादी की तस्वीरें यहां रखी थी मेरी छोटी बहू वही देखने आई है लेकिन जब तुम सोचोगी तो जाने दो किसी से कहकर मेरे लिए जूस भिजवा दो ना आ बेटा बैठ मैं सब समझती हूँ जरूर देव ने ही तुझे कहा होगा कि दादी माँ के कमरे से फोटो लिया है ना बड़ा शेर बना फिरता है आने दे उसे कौन मरोड़ दूंगी हाँ हम साथ साथ देखते हैं अरे वाह ये देख कितनी अच्छी तस्वीर है नंदू कितना अच्छा लग रहा है ये दीदी बहुत अच्छा है ये तो अगर राधिका का फोटो सामने आ गया तो क्या जवाब दूंगी सोच विशाखा जल्दी सोच वरना अभी जो प्यार से पास बिठाए हुए हैं वही दादी एक सेकंड में घर से बाहर निकाल देंगी क्या हुआ बेटा इतनी परेशान क्यों है डर रही है कि देव कुछ कहेगा तू बिल्कुल फिकर मत कर अरे वो तो तुझे इतना प्यार करता है कि अभी तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा देख लेना ये देख ये भी अच्छी है दादी माँ शादी की फोटो है हम भी देखें हाँ हाँ आ जा अरे बाकी की फोटो अच्छा तेरे हाथ में ठीक है तू देखती जा और हमें देती जा दे ना देना
दादी। लो आ गए, रहा नहीं गया ना। दादी माँ वो देख, इस वक्त छोटी बहू के साथ मेरा अपॉइंटमेंट चल रहा है, ठीक है? तेरा नंबर बाद में, जा तू। अरे जा कहाँ ना? दिखा फोटो। इस प्यार की हकदार ये नहीं, कोई और है दादी माँ। और ये बात मैं आपको कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा। कि विवाह तो उसका हुआ है, पति तो उसका है। राधिका, जी माँ, तेरे बाबूजी गिरिधर मंदिर गए हैं पट पूजा के लिए, और ये झोला यहीं छोड़ गए। जाके दे बेटा। गिरिधर मंदिर? वो जो सदर बाजार में है, जहाँ के पंडित त्रिपाठी जी हैं। हाँ, वो गोकुल गए आज सुबह, तो उनकी जगह तेरे बाबूजी पूजा करने गए। बिटिया, ये झोला तो लेती जा। वो बेटा, मैं जानती हूँ तू अपने बाबूजी की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई है, पर तू चिंता मत कर बेटा, विशाखा अपने ससुराल में बिल्कुल ठीक है। मेरी उससे फोन पर भी बात हुई है, तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। जा मेरी बच्ची, तेरे बाबूजी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपने बुलाया डैड? कुछ जरूरी काम था? हाँ, पहले तुम्हारे चाचा जी और अर्जुन को आ जाने दो। अब आ गए भाई साहब। प्रणाम पापा। कुछ हो, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मंदिर समिति को एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा गया है। पुरोहित ट्रस्ट ने भक्तों के लिए धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे करीब हमारे 12 मंदिर हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे 60 करोड़ का। हम चाहते हैं कि ये काम कोई ऐसा नौजवान व्यक्ति संभाले जो पूरी लगन और उत्साह से इस काम में जुड़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई साहब आप। इस काम को तो कोई नौजवान और उत्साही व्यक्ति ही संभाल सकता है। आप तो इस काम की जिम्मेदारी अर्जुन को दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए भाई साहब। भाई कोई मुश्किल आई तो हम बैठे हैं ना। बात
बात तो ठीक है सुशीला, लेकिन हमने कुछ और सोचा है। क्यों भाई साहब, आपको अर्जुन की काबिलियत पे कोई शक है? नहीं सुशील, हम जानते हैं कि अर्जुन बहुत काबिल व्यक्ति है और ये सारा काम अर्जुन ही देखेगा, पर वो सारा काम देव के निरीक्षण में करेगा। साहब देव तो यहां कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद तो वो विदेश चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देव को इस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है और ऐसे में वो तजुर्बा काम करके ही आता है सुशील, और हमने देव को उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने दिया, अपनी पत्नी चुनने का। और अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अगर देव विशाखा जैसी पत्नी चुन सकता है तो अपने जीवन में भी सही निर्णय लेगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आप उचित समझें। अच्छा मैं चलता हूं, मंदिर समिति के कुछ कार्यकर्ता हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या है डैड, ये सब क्या है डैड? मुझे उस देव को रिपोर्ट करनी होगी जिसे कुछ नहीं आता है। मुझसे सवाल करेगा वो, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा डैड, कह देता हूं आपसे पहले। सब वक्त वक्त की बात है, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ डैड, लेकिन उसका सबॉर्डिनेट बनकर उसके नीचे काम करना पड़ेगा मुझे, ये जिल्लत मैं नहीं सह सकता। तेरे बाप ने इतने साल तक सहा है, तू कुछ दिन तक नहीं सह सकता? कुछ दिन में सब कुछ पलट जाएगा बेटा। कैसे डैड, कैसे? कुछ दिनों बाद वो विदेश चला जाएगा, तब तक बजाने देना उसको झुंझुना। एक कुंवारी कन्या की विदाई कर दी ऐसा घोर अनर्थ गोकुल में, वो जो डोली में बैठ कर गई है वो कभी सुखी नहीं रह पाई, क्योंकि वो कुंवारी कन्या है और ब्याहता का जीवन जी रही है, वो पाप कर रही है पाप। स्त्री अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं करती देवकी जी, वो पाप की भागी कहलाती है। ये कन्या कैसे भूल गई कि विवाह तो उसका हुआ है, पति तो उसका है। अब आपकी सहेली की छोटी बेटी बिना सुहाग की निशानी धारण किए जीवन व्यतीत करेगी तो उसके पति का तो बुरा होगा ही होगा। इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या, ये सोचूं मैं डर जाऊं हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं कहीं राहों में ना खो जाऊं। सारी को
निकले सारे, उड़ गए सब जाने कहाँ रे पल चाहत के। ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल गाना, गांठे सारी खोल, तू जा कह दे चल जाऊं इस बात पर। अरे अरे शास्त्री जी, ये क्या हो रहा है? राधिका तो मंदिर के अंदर चली गई। राधिका, राधिका। अरे भैया, ए शास्त्री जी ने इस लड़की को बेटी बेटी बोलकर इसका दिमाग खराब कर दिया, तभी तो इसकी हिम्मत मंदिर में प्रवेश करने की हो गई। अरे पंडित जी, ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मैंने देख लिया, वरना लड़की तो देवघर के अंदर चली जाती। और नहीं तो क्या। ये क्या हो रहा है राधिका? किस धुन में खोई हुई हो बेटा? तुम्हें समाज के नियमों का तनिक भी ध्यान नहीं रहा? अभी कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। क्षमा मांगो सबसे। ऐसा हो रहा है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं कैसे खुद को माफ करूं? मेरी इतनी कोशिश के बाद भी क्यों मुझसे ऐसी गलती हो रही है जिसके कारण मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है? अब तुम ही बताओ काना, मैं कैसे अपने परिवार की रक्षा करूं? कैसे? शादी हुई थी,
मेरी माँ कहती है शादी के बाद लड़की दूसरे घर में जाती है, पर आप नहीं गए इसलिए रो रहे हो ना?